अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकपीस, काबुली चने, छोले। उसके लिए हमने ये काबुली चने लिए हुए हैं। ये हमने लिया है 150 ग्राम्स। इसको हमने सोक कर लिया है 5 to 6 आवर। उसके बाद हमने इसको बॉईल करके ले लिया है। ये देखिए हमारे चने गल गए। और हमने एक पोटैटो लिया है, इसको भी हमने बॉईल कर लिया हुआ है। ये हमने 2 टेबल स्पून धनिया के पत्ते लिए हैं। ये हमने एक बिग साइज़ का टमाटर और एक हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। इसमें हमने एक बिग साइज़ का अनियन और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। ये हमने हल्दी लिया आधा चम्मच, सॉल्ट टू टेस्ट लिया हुआ है। सॉल्ट हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें चिकपीज में भी नमक डालकर बॉईल किया हुआ है। आधा चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने छोले मसाले लिए हुए हैं। छोले मसाले आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। 3 चम्मच हमने हींग ली हुई है और 1 बे लीफ लिया है। ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें हमने 2 हरी इलायची लिए, 2 लौंग लिए और 3 पीस दालचीनी के लिए हुए हैं। ये देखिए हमने एक पॉट लिया है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है, हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। इसके अंदर सबसे पहले हम हींग डाल देंगे। ज़ीरा भी डाल देंगे। ज़ीरा तड़कने लगे तब हम इसके अंदर अनियन का पेस्ट डालेंगे। देखिए ज़ीरा हमारा तड़कने लगा है, इसमें हम अनियन का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही सारे खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे और बे लीफ भी। अच्छी तरह भुनेंगे हम हाई फ्लेम पे। देखिए हमारा अनियन अच्छी तरह से भुन गया है, सौते हो गया है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट और ये छोले मसाला। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक मिनट तक इसको चला के भुनेंगे, सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। देखिए ये अच्छी तरह से सौते हो गया है। अब इसके अंदर हम टमाटर का और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे। दो चम्मच पानी डाला है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के हमें मसाले को पकने देंगे 5 मिनट तक। हम इसमें क्वार्टर टी स्पून हम आमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अच्छा सा फ्लेवर आता है। देखिए हमारा मसाला भुन गया अच्छी तरह से, सौते हो गया है, तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल पानी नहीं है। अब इसके अंदर हम काबुली चने को, चिकपीस को ऐड कर देंगे। हमने आलूओं को साइड में रख दिया हुआ है क्योंकि हमारे आलू ज़्यादा गल गए हैं, तो इसको हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी ग्रेवी लगाएंगे। देखिए ये अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी ग्रेवी लगा देंगे।
ये हमारा स्टॉक है जो हमने उसका ही पानी है, वही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। को हम ऐसे ही धीमी आंच पे 5 मिनट तक पकने देंगे। हम आलू को भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके स्लो फ्लेम पे हम इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए हमारे छोले तैयार हो गए हैं, अच्छी तरह से पक गए हैं। इसके अंदर हम धनिया के पत्ते भी ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। चने बनकर तैयार हो गए हैं, हमने डिश आउट कर दिए। हमने इसमें ऊपर से देसी घी डाला है और धनिया के पत्ते से हमने गार्निश किया हुआ है। ये बहुत ही लजीज बनता है, इसे रोटी से खाइए, पूरी से खाइए, चावल के साथ ही बहुत मज़े का लगता है। बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आती है, आप भी बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।